दोस्तों, क्या आपने मुर्गी के आकार के चर्च के बारे में सुना है, जिसे कई सालों पहले आधा बनाकर छोड़ दिया गया था? और क्या आप जानते हैं कि सन 2000 में नष्ट हुआ जहाज अब किस स्थिति में है? अगर नहीं तो चलिए, हमारे इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही रहस्यमयी इमारतों और वस्तुओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि कई सालों पहले लावारिस हालत में छोड़ दिए गए थे। नंबर 9, एमिसवुल डिस्कवरर। एमिसवुल डिस्कवरर जो कि एक क्रूज जहाज था, सन 1974 में जर्मनी के शिकाऊ अंटरवेसर द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था। BWA डिस्कवरर निर्माण के दौरान जहाज का निर्माण जर्मनी के ब्रेमर हेवन में पूरा हुआ था। आकार की बात की जाए तो इस जहाज की लंबाई 87.51 मीटर और गहराई 8.72 मीटर है, जो कि 30.6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता था। 167 सवारियों की क्षमता रखने वाला जहाज जो कि नॉर्थ वेस्ट पैसेज के 8000 मील की दूरी को आसानी से नेविगेट करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, सन 2000 में एक अज्ञात चट्टान से टकराने के कारण वो बहुत हद तक नष्ट हो गया था, जो कि एक बहुत दुखद और भयानक दुर्घटना थी। हालांकि सवारियों को जहाज से सुरक्षित निकाल लिया गया और जहाज को डूबने से बचाने के लिए सोलोमन आइलैंड पे छोड़ दिया गया था। कई सैल्वेज कंपनियों द्वारा जहाज को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन सभी ने पाया कि सोलोमन आइलैंड समूह के गृह युद्ध के दौरान जहाज स्थानीय लोगों द्वारा पहले ही तोड़ दिया गया था। इसके अलावा समुद्र के टाइडल एक्टिविटीज के कारण जहाज नष्ट होता जा रहा है और जंग लगने के कारण सतह का नुकसान हो रहा है। नंबर 8, चिकन चर्च। इंडोनेशिया के सेंट्रल जावा में मेगलैंग इलाके में पाई जाने वाली गिराजा आयाम चर्च, जो कि चिकन चर्च के नाम से प्रचलित है, क्योंकि ज्यादातर दर्शकों को ये चर्च मुर्गी के आकार का दिखाई देता है। हालांकि बिल्डोज का इरादा इसे कबूतर के आकार का बनाने का था। 1990 के दशक में डैनियल अलमजा द्वारा इमारत का निर्माण हुआ था। उन्होंने दावा किया था कि भगवान ने उन्हें सपने के माध्यम से चर्च बनाने के लिए प्रेरित किया है। डैनियल ईसाई धर्म से संबंध रखते थे, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके बावजूद भी प्रार्थना करने आए सभी धर्म के लोगों का वहां स्वागत किया जाता है। विभिन्न कठिनाइयों और स्थानीय प्रतिरोध के कारण निर्माण का काम सन 2000 में रोक दिया गया था। पिछले दशक में कई फिल्मों में साइट के चित्रण के बाद चर्च ने एक अलग लेवल हासिल कर लिया है, जो कि पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध आकर्षण का केंद्र बन चुका है, जहां शादी करने और फोटोज लेने के लिए लोग आते हैं। धार्मिक कार्यों के अलावा चर्च का उपयोग विकलांग और ड्रग्स करने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए भी किया जाता है, जिसकी आज के समय में बहुत जरूरत है। नंबर 7, BOS 400 शिपरेक। BOS 400 एक फ्रांसीसी डेरिक जहाज है जो 26 जून 1994 को रूसी टगबोट टाइगर द्वारा खींचे जाने के दौरान घिर गया था। टाइगर को दक्षिण अफ्रीका में स्थित कांगो गणराज्य में केप टाउन से BOS 400 को टो करने के लिए चार्टर किया गया, लेकिन एक विशाल तूफान के दौरान टो की रस्सी ढीली हो गई और जहाज को सैंडी बे के पास ट्विकर पॉइंट के पास छोड़ दिया गया, जहां SS ओकबोर्न के पहले के मलबा था। कई प्रयासों के बावजूद जहाज के मलबे को कुल नुकसान माना गया, क्योंकि जहाज के मलबे को प्राप्त करने में लोग असमर्थ थे। BOS 400 आज एक मलबे के रूप में बना हुआ है, जिसमें एक बड़ी क्रेन और सुपर स्ट्रक्चर का हिस्सा समुद्र तल से ऊपर दिखाई दे रहा है। मलबा धीरे धीरे बिखर रहा था। टाइगर को सन 1987 में पोलिश शिपयार्ड में बनाया गया था। दुर्घटना के बाद वो 1994 से 2000 तक केप टाउन डॉक में बेकार रखे रहे, फिर उसे $6,25,000 में बेच दिया गया था। नंबर 6, वनली UFO विलेज। वनली विलेज ताइवान में मौजूद एक ऐसा प्रसिद्ध गांव है जिसे दुनिया भर में जाना जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि यहां मौजूद घर UFO के आकार के बने हुए हैं, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा आकर्षक लगते हैं। पर इतना आकर्षक होने के बावजूद भी ये गांव पूरी तरह से खाली है, क्योंकि इसमें कोई रहता नहीं है और यहाँ रहने वाले लोग इस शहर को छोड़कर चले गए हैं। एक और इतने खूबसूरत शहर को छोड़ने का कारण इसके निर्माण के समय घटित हुई कुछ अप्रिय घटनाएं थीं, तो वहीं दूसरी ओर इस गांव को छोड़ने का प्रमुख कारण इसके आसपास के क्षेत्रों में हो रहा विकास था, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों ने बेहतर जीवन की तलाश में इस शहर को छोड़ दिया था और तभी से ये शहर वीरान है। हालांकि कोई नहीं जानता कि आखिर इस गांव के वीरान होने का सही कारण क्या है, और ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 5, चैटेलॉन कार ग्रेवयार्ड। दक्षिणी बेल्जियम के चैटेलॉन के पास एक छोटे से जंगल के ठीक बीच में परित्यक्त और सुंदर जंग लगी कारों का कब्रिस्तान है। ये कारें कभी इस क्षेत्र में तैनात अमेरिकी सैनिकों के थे। ये ज्ञात नहीं है कि युद्ध के बीच में वे इन सुंदरियों को कैसे प्राप्त करने में सफल रहे। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो सभी सैनिकों को वापस अमेरिका भेज दिया गया, लेकिन उन सभी कारों को भेजने की लागत बहुत महंगी थी। रैंकिंग अधिकारियों ने सभी कारों को बेल्जियम में छोड़ने का फैसला किया। कारों को एक एक करके एक पहाड़ी पे ले जाया गया, जहां उन्हें अच्छी तरह से पार किया गया और किसी तरह बाहरी दुनिया से छिपा दिया गया। एक समय में चैटेलॉन के आसपास 4 कब्रिस्तान थे और 500 से अधिक वाहन थे। हालांकि आज यहां केवल एक ही कब्रिस्तान बचा है, जिनमें मौजूद कारों को समय के साथ जंग और क्षय ने खराब कर दिया है। नंबर 4, लेक रशियन बेल्टार।
लेक रेशन उत्तरी इटली में स्थित झील है जो 60 साल पहले बनाई गई थी। इस झील का निर्माण सन 1920 के दशक के शुरुआत में हुआ था। 1939 में एक ऊर्जा कंपनी द्वारा दो पड़ोसी और अलग अलग प्राकृतिक झीलों से एक विशाल कृत्रिम झील बनाने का फैसला किया गया। इस योजना का मकसद क्षेत्र के लिए बिजली पैदा करना था। इस योजना की वजह से कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, जिससे लगभग 1290 एकड़ विकसित और उपजाऊ भूमि जलमग्न हो गई और 163 से अधिक घरों में पानी भर गया। शायद ही आपको मालूम हो कि घाटी में रहने वाले निवासियों ने इसका जमकर विरोध किया, लेकिन परियोजना को रोकने के उनके प्रयास निष्फल रहे। बाद में बांध का निर्माण 1940 में शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध ने कुछ समय के लिए निर्माण कार्यों को रोक दिया और अंततः जुलाई 1950 में युद्ध के बाद इसे समाप्त कर दिया गया। आज हरे नीले पानी की सतह पर दिखाई देने वाला घंटीटार का ऊपरी सिरा घाटी के पुराने शहर ग्रुन और पूर्व जीवन का एकमात्र अवशेष है। अकेला घंटाघर 14वीं शताब्दी के एक पुराने चर्च का हिस्सा था, जो 55 फीट तक पानी के स्तर तक पहुंचने पर बाकी इमारतों के जैसे ये भी भर गया था। दोस्तों, इस झील के बारे में स्थानीय लोगों की एक मौखिक कहानी काफी डरावनी है। उसके मुताबिक चर्च की घंटियां कभी कभी सर्दियों की रातों में बजती हैं, जबकि सच तो ये है कि उन्हें 60 साल पहले हटा दिया गया था पानी आने से कुछ दिन पहले और टार के आधार और पहले आधे हिस्से को डुबो दिया। नंबर 3, लैपलेस कैसल। नूदन पोलैंड के एक छोटे से गांव लैपलेस में एक इमारत मौजूद है जिसे लैपलेस कैसल के नाम से जाना जाता है, जो प्राचीन महल या मध्ययुगीय किला बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल इस इमारत का निर्माण 1979 में शुरू हुआ था, जहां कलाकार पाइतर काजिमियर्कजक एक स्टूडियो बनाना चाहते थे जिसमें स्विमिंग पूल और बॉलरूम मौजूद थे। इसके अलावा इमारत में 12 टावर्स भी मौजूद थे, जो कि 12 अपोस्टल्स को दर्शाते हैं। लेकिन धन की कमी के कारण और इमारत बनाने के लिए जमीन का परमिट न होने के कारण निर्माण को रोक दिया गया। कुछ लोगों का कहना है कि पियतर ने हार नहीं मानी और अभी भी वो इसे पूरा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि अब इसकी दीवारें कमजोर पड़ चुकी हैं, लेकिन पर्यटकों के बीच ये अभी भी प्रचलित है। नंबर 2, बार्टिनी बेरिया VVA-14 प्लेन्स। दोस्तों, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच शीत युद्ध चल रहा था, तब दोनों ही एक दूसरे से ज्यादा बड़े और घातक हथियार बनाने की होड़ में लगे थे। इसी बीच अमेरिकी मिसाइल टेस्ट को रोकने के लिए सोवियत यूनियन द्वारा बार्टिनी बेरिया VVA-14 प्लेन्स का निर्माण किया जाना था, जो पानी और हवा दोनों में ही मिसाइल्स को ध्वस्त कर सकते थे। लेकिन बाद में इसके निर्माण को रोक दिया गया और केवल 2 आधे बने प्रोटोटाइप्स ही बन सके, जिनमें से केवल एक ही आज बचा हुआ है, जिसे रशियन एयरफोर्स म्यूजियम में रखा गया है। इस प्लेन को आज कोई भी नहीं देखता, जिसके चलते ये लगातार खस्ताहाल होता जा रहा है, जो दिखाता है कि किस तरह शीत युद्ध में हुए हथियारों की होड़ में पैसे बर्बाद हुए थे। नंबर 1, ट्यूफल्सबर्ग स्पाई स्टेशन। जर्मनी के बर्लिन के ट्यूफल्सबर्ग में एक ऐसी आर्टिफिशियल पहाड़ी है जो कि डेब्री और रबर से बनी हुई है, जिसमें एक अधूरा बना नाज़ी मिलिट्री टेक्निकल कॉलेज भी है। बर्लिन के ग्रुनवाल्ड फॉरेस्ट के उत्तर में स्थित टेल्टो प्लेटियो से लगभग 80 मीटर और समुद्र तल से 120.1 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद इस पहाड़ी पर शीत युद्ध के दौरान एक US लिसनिंग स्टेशन था। लेकिन जब शीत युद्ध खत्म हुआ, तब स्टेशन को ऐसे ही वीरान छोड़ दिया गया, जिसके बाद से यहां कोई आता जाता नहीं था। हालांकि काफी सालों बाद जब लोगों को इसके बारे में मालूम हुआ, तब बहुत से लोग इसे देखने आने लगे। खैर, ये स्टेशन आज भी जस का तस खड़ा हुआ है, पर अनदेखी के चलते इसके कुछ हिस्से कमजोर होकर गिरने लगे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।